वर्डप्रेस में गूगल मैप कैसे ऐड करना है? हम ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। क्या उसे कहते हैं, एपीआई, गूगल एपीआई, और उसके लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। बड़ा अजीबोगरीब सा मसला बन जाता है, लेकिन ना मैं जो आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, वो बहुत ही आसान है। अब ये देखें, ये मेरे सामने वेबसाइट है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, तो मैंने अभी बनाई है। और उसने डिमांड की है कि मुझे ना आप इस जगह पर मुझे आप ना गूगल मैप ऐड करके दे दें। तो मैंने कहा जी ओके ठीक है, अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, पूरी तो करनी ही करनी है। तो अब ये इनका इनकी ना जो प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, ये असल में होती है गूगल प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है। तो ये कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इनकी ये बनाई हुई है और यहाँ से ये इनका मैप आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी प्रोफाइल, इनके रिव्यूज़ भी अच्छे खासे आए हुए हैं। तो शेयर पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और इम्बेंट अ मैप इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, कॉपी एचटीएमएल, ये हमें एक कोड दे रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं इस वक्त इनकी जो सर्विस है। तो मैं अभी जाता हूँ दूसरा अपने एलिमेंटर पेज पे, और इसी जगह पर करना था। तो न्यू मैं टैब ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं न्यू सेक्शन ऐड करता हूँ। स्ट्रक्चर मुझे वन वाला ही चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कोड, HTML कोड मैंने ऐड कर रहा है, क्योंकि वही कोड मुझे मिला था। तो ये यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये कोड, वो जो कोड हम मैंने पेस्ट किया हुआ, सॉरी कॉपी किया हुआ था, वो मैंने पेस्ट किया, और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो मैप आ गया, सेम टू सेम वही मैप आ गया। लेकिन अभी इसमें क्योंकि ये डिज़ाइन के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने फुल विड्थ कर दिया, और हमारा जो है वो क्या उसे कहते हैं मैप हमारा, वो हमारी वेबसाइट में ऐड हो चुका है, वर्डप्रेस में ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो आप डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ये देखें डायरेक्ट गूगल में वो डायरेक्शन आ गई है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, गूगल मैप को आसानी से ऐड कर सकते हैं। जबकि अगर हम वो दूसरी तरफ से जाएं, वो पहले हमें गूगल पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे जाएं तो क्या उसे एपीआई देनी पड़ती है, और वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका था। तो आई होप कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।